हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरा नाम किरसन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट पुट की टेक्निक सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल रिदम के साथ। रोटेशन की स्किल सिखाएंगे, ड्रिल सिखाएंगे आपको, स्टार्टिंग हमें रोटेशन में कहाँ से लेनी चाहिए करके दिखाएंगे। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना। जब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तो आप रोटेशन अच्छी तरह से नहीं सीखते। तो स्टार्ट बेस कहाँ से होता है टर्न का, रोटेशन का, वो भी अच्छी तरह से सिखाएंगे। कैसे एक पैर से दूसरे पैर पे वेट शिफ्ट किया जाता है स्टार्टिंग में। आप बेस को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आप पूरी टेक्निक को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरह देखना, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आपका बेस सुधर जाएगा। जब आपका बेस सुधर सकता है आपकी टेक्निक सेट हो जाएगी, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। स्टैंडिंग पोजीशन में आप सीटिंग लोगे, फिर आपको लेफ्ट पैर पे वेट शिफ्ट करोगे और अपने राइट पैर को घुटने को उठा उठा के ऐसे रखोगे छोटे छोटे स्टेप में। ऐसे आपको कई बार करना है। आपको एक बार में 3 या 5 सेट करने हैं, टर्न लगाने हैं। आप ये कम से कम एक टाइम पे 50 बार आपको करना है, जिससे आपका बेस सुधर सकता है। और ये छोटे छोटे स्टेप में घुटने को उठाना है फिर रखना है। आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, आपका जो राइट पैर है वो आपका पीछे रह जाएगा और आपकी अपर बॉडी है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना। आप वीडियो बनाना और उसके साथ मेरी वीडियो कंपेयर करना, फिर आप देखना कहाँ क्या कमी है, फिर आपको पता लग जाएगा। उस एक्सरसाइज के बाद हमें ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट पैर पे पूरी तरह वेट शिफ्ट करके पूरा एक टर्न लेना है। और ये टर्न पूरी तरह कंप्लीट जब होगा, जब आपने पहले वाली एक्सरसाइज अच्छे प्रॉपर तरीके से की होगी। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, आप जब वेट शिफ्ट करोगे तो आपका पूरा वेट पंजे पर होना चाहिए, ना कि आपके हील पर। आपका वेट सिर्फ पंजे पर होना चाहिए, अंगूठे की तरफ होना चाहिए, जिससे आपका रोटेशन है जो ये राउंड लगा रहे हो आप, ज़्यादा स्मूथली आए, आपको हार्डनेस फील ना हो और प्रॉपर अच्छे तरीके से आए। अगर आप अपने राइट पैर को पीछे रहने दोगे तो आपकी टर्निंग अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। इसमें आपको लेफ्ट पैर को पहले पूरा टर्न करना है, जहाँ तक आपका लेफ्ट पैर टर्न हो सके, उसके बाद आपको राइट पैर को उठा के आगे ले जाना है। और आपको जब तक आपका बैलेंस बनता है, आपको राइट पैर को हवा में रखना है। जैसे अभी आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, मेरा एक टर्न आ रहा है। जैसे धीरे धीरे आगे देखोगे इस वीडियो को, तो मेरे 2 टर्न आएंगे, 2.5 टर्न आएंगे, फिर 3 टर्न आएंगे। आपके जैसे ही 3 टर्न आने लग जाएं बिना बैलेंस बिगड़े, तो आप समझ लेना आपका बेस, आपका रिदम बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से आपका सुधर चुका है। उसके बाद आपको इससे आगे वाली स्किल करनी होती है, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस स्किल पर आपको पूरा फोकस करना है, जिससे आपकी ये स्किल इतनी बेस्ट हो जाए कि आप 3 की बजाय 4 भी टर्न ले सकते हो। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। जो आप सीटिंग के टाइम स्टार्टिंग में डिस्टेंस लेके चलते हो पैरों के बीच में, वही लास्ट तक आपका डिस्टेंस बना रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अभी आपने इस वीडियो में देखा, ये आपकी स्किल का पार्ट 1 है। ये वाली वीडियो में पार्ट 2 आएगा और हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। जब तक आपका टर्न ठीक नहीं होता, आपका बेस अच्छा नहीं होता, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अपनी वीडियो बनाए खुद की, और इस वीडियो के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। और फिर आपको पता लगेगा कि आपकी टेक्निक में क्या कमी है, आपको कितनी ज़रूरत है प्रोग्रेस करने की। पहले आपके पास थ्रोइंग शूज होने चाहिए। रनिंग शूज में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप रनिंग शूज में करोगे तो आपके जूते फट जाएंगे। आपने अभी अभी गेम शुरू किया है तो आप अपनी टेक्निक के लिए PT शूज यूज कर सकते हो। PT शूज जूते जो आते हैं वो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और आपके टेक्निक को भी बेहतर बनाने के लिए ये शूज अच्छे होते हैं। सीखने के लिए सबसे अच्छे शूज PT शूज ही होते हैं। आप टेक्निक या स्किल सीख रहे हो तो आपको भी PT शूज यूज कर के, आप इस वीडियो में देख रहे हो, मैंने एक कपड़े का यूज किया है। अगर आपको और भी अच्छा करना है तो आप 1 kg की मेडिसिन बॉल भी ले सकते हैं।
अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको ही कपड़ा लेना पड़ेगा। आपके पास मेडिसिन बॉल है तो आप मेडिसिन बॉल का प्रयोग करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।